प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आचार्य शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनिल शर्मा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने सदर विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं को न सिर्फ अमली जामा पहनाया बल्कि धरातल पर भी उतारा है। आचार्य शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार कैबिनेट द्वारा सिर्फ इसकी नियुक्ति ही की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल में बनी हुई योजनाओं को ही पूर्ण करने में लगी हुई है। आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी ने दो दिन उपरांत प्रेस वार्ता के तहत ये बात कही कि पंडित सुखराम जी के परिवार ने सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर विकास में रोड़े डालने की हमेशा प्रयास किया है। मैं आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि आज डेट तक जो विकास वो देख रहे हैं सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर, सारा का सारा विकास जो है आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी की देन रही है। चाहे वो इंदिरा मार्केट बनाने की बात हो, चाहे विक्टोरिया पुल के नज़दीक 21 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की बात हो, 24 घंटे पानी शहर के लोगों को मिले जो कि आज महानगरी शिमला को भी 24 घंटे पानी नहीं मिलता है, वहाँ मंडी एक ऐसा मात्र शहर बना जहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। चाहे स्कूल बाजार के समक्ष 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाने की बात हो, सदियाना में 5 करोड़ की लागत से पंचायती राज का भवन बनाने की बात हो, कोटली में बस अड्डा बनाने की बात हो, कोटली में कॉलेज खोलने की बात हो, अन्यथा कई ऐसे काम हैं विकास के जो अनिल शर्मा जी ने ना ही उनको उंगली जामा पहनाया परंतु उन कामों को धरातल में उतारा। माननीय सांसद महोदय को अब 6-7 साल बतौर सांसद हो चुका है, उसके उपरांत भी ये जोगिंदर नगर का जो एक फाटक है जो कि एक सांसद के लिए बड़ी आम कार्रवाई है, ये अपने स्थानीय लोगों को भी वो सुविधा प्रदान नहीं कर सके, वो फाटक भी बंद नहीं करा पाए, तो मैं इनसे और कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ। जहाँ तक बात क्लस्टर यूनिवर्सिटी की है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का पैसा जो है कांग्रेस पार्टी के सरकार में आया था और इस कैबिनेट ने जो कि आदरणीय श्री जयराम जी की कैबिनेट है, इस कैबिनेट ने केवल मात्र नियुक्ति जो है कैबिनेट के माध्यम से की। तो ये बोल देना कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है भारतीय जनता पार्टी का इसमें कार्य रहा है, मैं उसको बात को सिरे से निकालता हूँ। अक्सर भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के जो काम किए गए हैं, आज 3 साल इनकी सरकार को गठित हो गया है, परंतु ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम ही के फीते जो हैं आज तक काट रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई विजन है और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल इनकी विल पावर है। आप जानते हैं इंडस्ट्रियल पैकेज जो है हिमाचल को नहीं मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6-7 बार आ चुके हैं हिमाचल के अंदर, ये बात बोल चुके हैं कि मेरा लाहौल में दोस्त था, मंडी की सेपू बड़ी मैंने खाई, परंतु केंद्र की तरफ से प्रदेश की सहायता के लिए कोई भी पैकेज जो है नहीं नियुक्त हुआ लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जो हैं सिर्फ भावनाओं में चलने वाले लोग होते हैं, भावनात्मक बातें करके उनको ठगने का प्रयास किया है। आप जानते हैं प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में 70% मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत पड़ा तो वो हिमाचल के अंदर पड़ा, परंतु आज आप देखते हैं 3 साल का इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है परंतु 5 काम ये नहीं गिना सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके मुख्यमंत्री मंत्री या अन्य सरकार के कोई गणमान्य व्यक्ति या पदाधिकारीगण 5 काम गिना दें जो इन्होंने पिछले 3 साल में प्रदेश के अंदर किए हैं, तो मैं उनको अपने स्वयं से 2000 रुपये इनाम दूंगा।
ऐसी सरकार है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जो हैं पहले ये बोलते रहे कि हम नए हैं, हमको काम सीखने का मौका मिले, परंतु अब 3 साल हो चुके हैं, ना मंडी का एयरपोर्ट बना, वो भी हवाई बातें रही, ना मंडी में नगर निगम की बात की, वो नहीं हुआ हो पाया। महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने और रामस्वरूप शर्मा जी ने कहा था कि हम विधायक के रूप में काम करेंगे। 27,000 वोट लोकसभा के चुनाव में सदर चुनाव क्षेत्र में पड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसके बाद आज ये स्थिति है कि एक पानी का नल का भी भारतीय जनता पार्टी सदर चुनाव क्षेत्र में नहीं लगवा पाई। जहां एक कॉलेज को फंड आना था, कोटली कॉलेज को 28 लाख रुपए की पहली केस जो है वो सराज चुनाव क्षेत्र में डाइवर्ट कर दी गई। आज 4 वर्ष हो गया है, वहां कॉलेज के भवन में एक ईंट तक नहीं लगी है। आज मैं ये कह सकता हूं कि आपने इतने मत दिया आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी को सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने, परंतु एक प्रोजेक्ट जो अनिल शर्मा जी ने अपने कार्यकाल के अंतर्गत कोटली में लगाया, इसका दफ्तर खुलवाया इस उद्देश्य से कि यहाँ पे रोजगार मिल सके स्थानीय लोगों को, स्थानीय डेवलपमेंट हो सके, परंतु राम स्वरूप शर्मा जी ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से यह बात बोली कि यह प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चल जाना चाहिए।